हॉर्मोन्स की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसमें से सबसे कॉमन बीमारी है जो है थायराइड ग्रंथि की बीमारियां। क्या वजह है जिसकी वजह से थायराइड की बीमारियां इतनी ज्यादा प्रचलित हो चुकी है। जब भी मरीज क्लिनिक में आते हैं तो अपने साथ में अपने फैमिली मेंबर्स माता पिता उनको लेके आते हैं तो उनके माता पिताओं का सबसे पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब हमारे ज़माने में इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं थी थायराइड की, आजकल जहाँ देखो हर लड़के हर लड़कियों को थायराइड ग्रंथि की बीमारी है, क्या वजह है इसके पीछे। कभी कभी मरीजों का ये भी सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमने सुना है कि थायराइड ग्रंथि की बीमारी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है लेकिन मेरे ना माँ बाप को प्रॉब्लम है, ना मेरे दादा दादी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ना मेरे नाना नानी की तरफ से प्रॉब्लम है, मुझे ही ये छोटी उम्र में थायराइड की बीमारी क्यों लगी है। तो जब भी इनके ये सवाल होते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे छिपे हुए आंसर्स भी होते हैं। तो उसकी एक खास आंसर है कि क्या हमारे दैनिक लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस आ चुके हैं जो हमें हॉर्मोन्स की बीमारियों की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं, और क्या वजह है, वो क्या केमिकल्स है, उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले दो बहुत ही खास इम्पॉर्टेंट सूचना। सबसे पहला कि अगर आप आज के इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज देन ऑन द आई बटन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स देर इज अ लिंक, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड दिस वीडियो विल बी प्लेड इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर यू। और दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना, इस वीडियो के शूटिंग के दरमियान मैंने जो कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो चीज़ मैंने इसीलिए ली है क्योंकि वो मेरे पास उपलब्ध थी, ठीक है। इस वीडियो के शूटिंग के दौरान हमने कोई भी कंपनी जो भी ये प्रोडक्ट निर्माण करती है उसकी प्रोडक्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनके कोई प्रोडक्ट से हमें डीफेम करने की कोई कोशिश है। तो आप चीज़ों को ओवरऑल लीजिएगा, पर्टिकुलर वो ब्रांड को हमसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्या है ये सभी चीज़ें जिसका इस्तेमाल से आपके हॉर्मोन्स की गड़बड़ आ सकती है, ये सभी चीज़ें जिसके बारे में आज हम बात करेंगे उस सभी चीज़ों को मेडिकल भाषा में एंडोक्राइन डिसरप्टर कंपाउंड्स कहते हैं। अब क्या होते हैं ये एंडोक्राइन डिसरप्टर कंपाउंड? अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA के हिसाब से कोई भी बाहरी केमिकल या बाहरी पदार्थ जो आपके अंदरूनी शरीर के जो हार्मोन होते हैं उनके सिंथेसिस यानी संश्लेषण, उसके सिक्रीशन यानी स्त्राव, उसका ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, उसके रिसेप्टर के बाइंडिंग की कैपेसिटी, उसके मेटाबॉलिज्म या तो वो हार्मोन का एंड प्रोडक्ट का एलिमिनेशन, ये कोई भी प्रोसेस में अगर हस्तक्षेप करता है, बाधा डालता है, दखल देता है तो उस बाहरी केमिकल और कंपाउंड को हम एंडोक्राइन डिसरप्टर कंपाउंड्स कहते हैं। और अगर ये एंडोक्राइन डिसरप्टर कंपाउंड्स आपके थायराइड की ग्रंथि पे असर लाते हैं तो इसको हम थायराइड डिसरप्टर कंपाउंड्स कहते हैं। जितना ज़्यादा आपके ज़िंदगी में थायराइड डिस्टर्बेंस कंपाउंड्स की और थायराइड के डिस्टर्ब करने वाले केमिकल्स ज़्यादा रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपको थायराइड की बीमारी होने की संभावना लेके आते हैं। अब ये सभी एंडोक्राइन डिसरप्टर कंपाउंड्स जो होते हैं खास करके अगर गर्भवती महिला और छोटे बच्चों में ज़्यादा मात्रा में संपर्क में आते हैं तो उन लोगों को और आगे आने वाली बच्चे और छोटे बच्चों में जब वो बड़े होंगे तभी उसके डेवलपमेंट पे उसकी असर आती है। ऐसे भी रिसर्चेस और स्टडीज़ में पाया गया है कि जब भी एक गर्भवती महिला और छोटा बच्चा इस केमिकल के संपर्क में आते हैं तो उनको न्यूरो डेवलपमेंटल डिफेक्ट भी आ सकते हैं, बच्चे की IQ लेवल भी कम हो सकती है, उनका शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट में भी असर आ सकती है और कभी कभी उस बच्चे डेफनेस यानी मुख बहर के भी शिकार हो सकते हैं। तो क्या है ये एंडोक्राइन डिसरप्टर कंपाउंड्स, चलिए जानते हैं उसके बारे में।
तो चलिए अब हम स्कैन करके देखते हैं कि हमारे घर के अंदर और हमारे आसपास के आस पड़ोस में कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं है जो हमें हॉर्मोन्स की बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं। उसमें से सबसे पहला केमिकल है जिसका नाम है ट्राइक्लोजान। अभी जो ट्राइक्लोजान वाला केमिकल है इसको एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तरीके से इस्तेमाल होता है, यानी ये ज़्यादा करके आपके जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, टॉयलेटरीज है, उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कहाँ पे ये होता है ट्राइक्लोजान? तो सबसे पहला है टूथपेस्ट, बहुत सारे टूथपेस्ट में ट्राइक्लोजान होता है। साथ ही साथ साबुन, खास करके एंटी माइक्रोबियल साबुन जो होते हैं। तीसरा है हैंड वॉश, अगेन एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल हैंड वॉशेस। फिर है हैंड सैनिटाइजर्स, ये सभी में ज़्यादा मात्रा में ट्राइक्लोजान होता है। जब हाथ धोने के बाद में हम इस्तेमाल करते हैं हैंड लोशन, इसमें भी ट्राइक्लोजान होता है। तो जब हम इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो या तो हमारे ओरल म्यूकोजा की ओर से या तो फिर हमारे स्किन की चमड़ी से ये ट्राइक्लोजान वाला केमिकल एब्जॉर्ब होके हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। और जैसे ही हमारे शरीर के भीतर जाता है ये हमारे थायराइड की हार्मोन की ग्रंथि के कार्य में अड़चन लाता ही है। साथ ही साथ ट्राइक्लोजान वाला केमिकल कुछ रिसर्च और स्टडीज में पाया गया है कि ये इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की शिकायतें भी लेके आ सकता है। तो अगली बार जब आप भी कोई भी चीज़ें खरीदें तो उसमें ये डेफिनेटली पढ़िए कि क्या उसमें ट्राइक्लोजान केमिकल है या नहीं है। अब दूसरा केमिकल है जिसका नाम है पैराबेन। पैराबेन वाला जो केमिकल है ज़्यादा करके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ पर यह पैराबेन वाला केमिकल पाया जाता है? हैंड लोशंस में, जो लेडीज लोग इस्तेमाल करते हैं मेकअप की चीज़ें, कॉम्पैक्ट पाउडर, लिपस्टिक्स, काजल और कुछ कुछ टूथपेस्ट में भी पैराबेन केमिकल पाया जाता है। पैराबेन वाला केमिकल ना ही थायराइड की ग्रंथि को डिस्टर्ब करता ही करता है, उसके साथ साथ ये मर्दों के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन, जो शुक्राणु का प्रोडक्शन होता है उस पर भी असर लेके आ सकता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की शिकायतें भी होती है। उसके साथ साथ पैराबेन वाला केमिकल को एक कार्सिनोजन के तौर से भी माना जाता है, यानी ये केमिकल ज़्यादा मात्रा में अगर आपके शरीर में रहेगा तो आपको कैंसर होने की संभावना भी बढ़ सकती है। साथ ही साथ इसके वजह से कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदे तो उसके अंदर आप डेफिनेटली पढ़िए कि उसके अंदर पैराबेन नहीं है। अब जब आप इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिथाइल पैराबेन, ब्यूटाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन या तो आइसो पैराबेन, ऐसे कोई इंग्रेडिएंट में नाम छुपे ना हो उसका खास ख्याल रखिए। चलिए और स्कैन करते हैं हमारे घर के भीतर और पाते हैं कुछ ऐसे BPA वाले केमिकल्स। BPA को हम बिस्फिनॉल ए के नाम से भी जानते हैं। ये ज़्यादा करके पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और रेजिन बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल में किया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है BPA? तो सबसे पहला है यह है गार्बेज बैग, यानी कि इसके अंदर आप कचरा डाल के इकट्ठा करके रखते हैं, गार्बेज बैग में BPA रहता है। साथ ही साथ हाइजीन प्रोडक्ट्स, बच्चों के लिए जो डायपर्स का इस्तेमाल होता है, औरतें फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी BPA केमिकल पाया जाता है। खास करके इन प्रोडक्ट्स में कभी कभार फ्रेग्रेंसेस का भी इस्तेमाल होता है, वो भी एक अलग प्रकार का एंडोक्राइन डिसरप्टर है। उसके अलावा फूड पैकेजिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर है कैन में मिलने वाली खाद्य पदार्थें, या तो फिर आप ड्रिंक ले लो या तो फिर कैन में मिलने वाले खाने पीने की सब्सटेंस, कैन फूड लोग खास करके बड़े शहरों में लोगों इसका इस्तेमाल करते हैं, ये कैन फूड। फिर है प्लास्टिक की बॉटल्स, हम प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी भर के रखते हैं और फिर यही प्लास्टिक की बॉटल जब हम ट्रैवल करते हैं अपने साथ में लेके भी जाते हैं। कभी कभार ये प्लास्टिक की बॉटल जब हम खरीदते हैं तो पता नहीं ये कंपनी ने कहाँ पे ये इसका मैन्युफैक्चरिंग किया है और कोई एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्टेशन होते होते वो आई है। तो जब ऐसे वो ट्रांसपोर्टेशन करके प्लास्टिक की बॉटलों में चीज़ें और कैन की चीज़ें जब आती है
तभी जब भी उस पर सूर्य प्रकाश की रोशनी गिरती है तो उसके वजह से उसके अंदर वाला ये जो BPA वाला जो केमिकल है वो लीच आउट होके आपके पीने के पानी में या तो आपके ड्रिंक में या तो आपके खाने में घुल मिल जाता है और जब आप इसका कंज्यूम करते हैं तो ये केमिकल भी आपके शरीर में घुसता है। साथ ही साथ बाजार में मिलने वाले पानी की बॉटल्स, अगेन इसमें ज़्यादा मात्रा में BPA केमिकल्स पाए जाते हैं। फिर ये है कुछ माइक्रोवेवेबल रेडी टू ईट फूड, यानी आपको माइक्रोवेव के अंदर रख दो, खाना गर्म हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है ना खाना खाने का, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में BPA केमिकल आपके खाने तक पहुँच जाता है। फिर है एक खास चीज़ जिसका नाम है थर्मल रिसीट। जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद में आपको एक रिसीट दी जाती है और ये थर्मल रिसीट में भी BPA वाला केमिकल छुपा हुआ रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम बहुत ही नादानी से ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है हमारी लाइफस्टाइल और इम्प्रूव हो रही है, बल्कि इसके वजह से लाइफस्टाइल हमारी और बिगड़ती जाती है। तो क्या करें, जब भी आप कोई प्लास्टिक खरीदिए तो उसमें ये देखें कि उसमें PC यानी पॉलीकार्बोनेट लिखा हुआ ना हो। साथ ही साथ इसके अंदर रिसाइकल कोड 3, रिसाइकल कोड 7 ये ना लिखा हो। जब भी आप कोई प्लास्टिक का परचेस करते हैं उस पर पढ़िए कि उसमें लिखा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट BPA फ्री यानी BPA से मुक्त है। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा करके आप कैन में मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह आप जहाँ तक हो सके फ्रेश यानी ताज़ी सब्जियाँ, ताज़े खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कीजिए। माइक्रोवेवेबल चीज़ें और जो रेडी टू ईट वाले जो खाद्य पदार्थ हैं ये खास करके आसानी लेके आते हैं हॉस्टल्स में, जब भी बच्चे लोग अकेले रहते हैं या तो सिंगल बैचलर्स लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही सुविधा लेके आते हैं, लेकिन ये अपने आप में और भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ जो फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट्स है, जो बच्चों के लिए जो डायपर्स का इस्तेमाल होता है, उसकी जगह अब आप कन्वेंशनल कपड़ों के डायपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छे नेचुरल फॉर्म ऑफ द सैनिटरी नैपकिन्स भी आ गए, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो BPA वाला जो केमिकल है ये सिर्फ थायराइड की ग्रंथि को डिस्टर्ब नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन के कैंसर को भी निर्माण करने की क्षमता रखता है। इसको बहुत ही अच्छा एक कार्सिनोजन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की शिकायतें भी लेके आ सकता है और कुछ स्टडीज़ में ये केमिकल को ओबेसिटी यानी मोटापा और प्यूबर्टी के हार्मोन के शिफ्टिंग के दौरान होने वाले जो हार्मोन्स की गड़बड़े उसके साथ भी इसको लिंक किया गया है। तो आपके एनवायरनमेंट में ये चेक कीजिए कि BPA वाला केमिकल ना हो और जहाँ तक हो सके इन सभी चीज़ों से आपकी लाइफ में दूरी बनाए रखें। चौथा एंडोक्राइन डिसरप्टर है जिसका नाम है PFAS यानी पॉलीफ्लोरो अल्कलाइल सब्सटेंसेस। BPA की तरह ये वाले एंडोक्राइन डिसरप्टर्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारी चीज़ों में पाए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला है डेंटल फ्लॉस। जी हाँ, लोग अपने दांत साफ करने के लिए डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करते हैं और डेंटल फ्लॉसिंग एक बहुत ही अच्छी ओरल हाइजीन मानी भी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है कि ये जो डेंटल फ्लॉस जो होता है इसके ऊपर एक खास प्रकार का कोटिंग होता है जिसके वजह से ये फ्लॉस आपके दो दांतों के बीच में बहुत आसानी से सरक जाते हैं। ये जो फ्लॉसिंग के अंदर भी PFAS वाला केमिकल होता है जिसके वजह से वो आपके ओरल म्यूकोजा से आपके शरीर के भीतर जा सकता है। तो अगली बार आप ऐसे फ्लॉस का इस्तेमाल ना करें बल्कि कन्वेंशनल वाटर फ्लॉसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है नॉनस्टिक कुकवेयर। नॉनस्टिक कुकवेयर आने के बाद में हमारी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। हम बहुत ही जल्दी खाना बना लेते हैं, बहुत ही कम मात्रा में ऑयल और तेल का इस्तेमाल करके खाना पक भी जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि ये जो नॉनस्टिक कुकवेयर के अंदर एक खास प्रकार का कोटिंग होता है जिसको हम टेफ्लॉन कोटिंग कहते हैं। तो ये टेफ्लॉन कोटिंग के अंदर भी PFAS वाले केमिकल भरे हुए होते हैं। खास करके जब आप खाना बनाते हैं और चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी कोटिंग की परत भी निकल जाती है और ये परत निकलने के बाद में ये आपके खाने में घुल मिल जाती है
और आप खाना खाते हैं और इस प्रकार ये केमिकल आपके शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं। तो क्या करें, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसकी जगह पे आप मिट्टी से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कास्ट आयन यानी लोहे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। ये आपकी एंडोक्राइन को हेल्थ को बिगाड़ेगी नहीं। अगला है रेनकोट्स। बारिश की सीजन आती है, हम सभी छाते रेनकोट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रेनकोट में ऐसे क्या केमिकल है जिसकी वजह से पानी बहुत आसानी से गिर जाता है? क्योंकि इसके ऊपर भी PFAS केमिकल की कोटिंग लगी हुई होती है और जिसके वजह से ये पानी सरक जाता है। तो अगली बार जब आप रेनकोट खरीदें तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि ये PFAS से फ्री हो, या तो फिर इसकी जगह पे आप रबर से बनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है माइक्रोवेवेबल पॉपकॉर्न्स। जी हाँ, बहुत लोग जब भी मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तभी पॉपकॉर्न खाते हैं और बहुत आसानी से बन जाने की तरीका है माइक्रोवेवेबल पॉपकॉर्न। आप उसको माइक्रोवेव के अंदर 2 या 3 मिनट के रख लीजिए और अपने आप ही बैग के अंदर वो पॉपकॉर्न बन के तैयार हो जाती है। तो ये जो पॉपकॉर्न की जो बैग होती है उसके ऊपर ये ग्रीस ऑयल ना छोड़े उसके लिए खास प्रकार के केमिकलों का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉपकॉर्न की बैग के ऊपर PFAS केमिकलों का भी इस्तेमाल होता है और ये PFAS केमिकल जब गर्म होता है माइक्रोवेव के अंदर तब इसमें से केमिकल लीच आउट होके आपके खाने में आ जाता है। तो अगली बार ऐसी माइक्रोवेवेबल पॉपकॉर्न्स और माइक्रोवेवेबल बैग्स का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पे आप कन्वेंशनल स्टोव टॉप के ऊपर आप प्रेशर कुकर के भी अंदर आप ऑयल डालिए और पॉपकॉर्न का आप घर पे ही बनाइए। वो ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा और ज़्यादा आपकी हॉर्मोन्स की गड़बड़े लेके नहीं आएगा। उसके बाद में और एक खास प्रकार के कंटेनर्स है जिसमें आ जाते हैं पिज्ज़ा के कंटेनर्स और फूड पैकेजिंग कंटेनर्स। ये कंटेनर्स के अंदर भी ये PFAS केमिकल का कोटिंग है, इसकी वजह से जब गरम गरम खाना इसके अंदर रखते हैं इसके अंदर से तेल का लीकेज नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इसके अंदर उसका कोटिंग लगा हुआ होता है और ख़ास करके जब भी गर्म खाद्य पदार्थ में ये केमिकल संपर्क में आते हैं तो ये ज़्यादा टॉक्सिक और ज़्यादा हानिकारक बन जाते हैं। तो अगली बार ऐसे कंटेनर्स का आप इस्तेमाल ना करें। जहाँ तक हो सके आप घर में ही खाना बनाइए, वो ज़्यादा एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव माना जाएगा। उसके साथ में अलग आ जाते हैं पेपर प्लेट्स। जी हाँ, बहुत लोगों के घर पे जब भी पार्टी होती है तभी पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब पेपर प्लेट का हम इस्तेमाल करते हैं हम सोचते हैं कि हम पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छी बात है पेपर प्लेट, लेकिन ये पेपर प्लेट, पेपर के जो कप्स आते हैं, ग्लासेस आते हैं, उन सभी के भीतर भी PFAS वाले केमिकल की कोटिंग लगी हुई होती है और जब भी आप खाना खाते हैं तो ये केमिकल आपके खाने के द्वारा आपके शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं। तो इन पेपर प्लेटों की जगह पे आप कन्वेंशनल स्टील के बर्तन हैं या तो ग्लास से बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव रहेगा। अगला है शैम्पूस। जी हाँ, बाल धोने के लिए हम शैम्पूस का इस्तेमाल करते हैं। ये शैम्पू में भी PFAS केमिकल यानी पॉलीफ्लोरोअल्कलाइल सब्सटेंस वाले केमिकल्स पाए जाते हैं और ये हमारे जब भी हम बाल धोते हैं तभी हमारे स्काल्प के अंदर पेनिट्रेट हो सकते हैं और उसके वजह से भी बहुत सारे हेयर से रिलेटेड समस्याएँ आ सकती है। तो इसकी जगह पर आप नेचुरल शैम्पूज यानी रीठा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ है जो हमारे घर में इस्तेमाल आती है, कारपेट्स और रग्स। ये जो कारपेट यानी जो फर्श पे जो इस्तेमाल होती है इसके भीतर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में PFAS केमिकल होता है और ये सभी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमें थायराइड की हॉर्मोन्स और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स की समस्या लेके आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आप खास ख्याल रखें, जहाँ तक हो सके आप आपको ये सारे केमिकल से दूर बनाए रखें और उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पे आप ज़्यादा ध्यान दें। अगला एंडोक्राइन डिसरप्टर है जिसका नाम है थैलेट। थैलेट को प्लास्टिसाइजर केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। थैलेट वाला केमिकल भी बहुत सारे हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। उसमें से एक है नेल पॉलिश, खास करके लेडीज़ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और अपने नाखून को रंगते हैं। और जब आप नाखून को रंगते हैं तो आपके
नाखून के द्वारा ये आपके शरीर के भीतर पहुंचते हैं और जब आप खाना खाते हैं तो ये थैलेट वाला केमिकल आपके मुंह से आपके शरीर के भीतर भी पहुंच सकता है। फिर दूसरा है मर्द लोग जो इस्तेमाल करते हैं शेविंग फोम, आफ्टर शेव लोशंस, उसमें भी थैलेट वाला केमिकल पाया जाता है। उसके अलावा साबुन, कुछ सोप्स में भी थैलेट केमिकल्स पाए जाते हैं, शैम्पूज है, फिर फ्रेग्रेंसेस परफ्यूम्स में भी थैलेट केमिकल डिओड्रेंट में भी पाया जाता है, लोशंस यानी ज़्यादा करके टॉयलेट्रीज आपके जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें थैलेट केमिकल भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला है प्लास्टिक रैप्स, बहुत लोग प्लास्टिक रैप्स का इस्तेमाल करते हैं खास करके सैंडविच को पैकिंग करने में, सब्जियाँ काट के उसको फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि सब्जियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेश रहे, सुपरमार्केट में सब्जियाँ जब भी रेडी टू कट मिलती है उसके ऊपर भी प्लास्टिक रैपों का इस्तेमाल होता है। तो ये प्लास्टिक रैप्स में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में थैलेट केमिकल होता है, साथ ही साथ छोटे बच्चों के खिलौने टॉयज़ में भी थैलेट केमिकल पाया जाता है। फिर है कुछ फूड कंटेनर्स जहाँ पे हम खाना स्टोर करते हैं और कुछ फूड पैकेजिंग्स, उसमें भी थैलेट केमिकल्स पाया जाता है। ये सभी थैलेट केमिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मफुल है, ये ना ही आपको सिर्फ थायराइड की बीमारियाँ लेके आ सकता है लेकिन बहुत से ऐसे रिसर्चेस में पाया गया है कि थैलेट केमिकल खास करके अगर गर्भवती महिला के संपर्क में आता है तो ये केमिकल के वजह से बहुत सी बार गर्भपात और मिसकैरेज हो जाता है, और खास करके अगर आपका बच्चा पुरुष या तो लड़का है तो उस बच्चे के अंदर जन्म दोष हो सकते हैं और उनके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसके जन्म दोष आ सकते हैं। साथ ही साथ मर्दों में इसके सभी थैलेट वाले केमिकल के वजह से खास प्रकार के इनफर्टिलिटी बांझपन की शिकायतें आती है, उनके अंदर जो स्पर्म जो शुक्राणु की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे इसकी असर आती है। तो थैलेट वाले केमिकल बहुत ज़्यादा जगह पे छुपे हुए पाए जाते हैं, जब भी आप कोई भी चीज़ परचेस कीजिए तो उसमें देखिए कि इंग्रेडिएंट में थैलेट वाला केमिकल मेंशन ना हो और तो ही आप उसका इस्तेमाल कीजिए। अगला एंडोक्राइन डिसरप्टर है जिसका नाम है फ्लेम रिटार्डेंट या तो फ्लेम रेजिस्टेंट केमिकल, इसको केमिकल नाम है पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर जिसको PBDE से भी लोग जानते हैं। ये केमिकल आग लगने से बचाता है, ये केमिकल ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में पाया जाता है जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, लैपटॉप की स्क्रीन है, टेलीविज़न की स्क्रीन है, यहाँ पे ज़्यादा करके आग लगने की पॉसिबिलिटी होती है और आग ना लगे इसके लिए इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ये केमिकल की कोटिंग की हुई होती है। उसके अलावा ये केमिकल आपके घर में जो गद्दे हैं, तकिए हैं, मैट्रेसेस है उसमें भी पाए जाते हैं, कारपेट की पैडिंग यानी कालीन की पैडिंग के ऊपर भी ये केमिकल पाए जाते हैं, साथ ही साथ छोटे बच्चों की जो कार सीट होती है उसके अंदर भी ये केमिकल पाया जाता है। ये केमिकल आपके चीज़ों के साथ साथ आपके एयर में और हवा में बहुत आसानी से मिल जाता है और इसके द्वारा आपके सांस लेने में आपके इनहेलेशन में भी ये केमिकल की एंट्री हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा करके छोटे बच्चे गद्दे पे कालीन पे ज़्यादा वक्त खेलते हैं तो ये बच्चे ये केमिकल के संपर्क में बहुत आसानी से आते हैं और इनके शरीर में इसके वजह से आड़ असर आती है, उनके मानसिक डेवलपमेंट पे भी असर आ सकती है, उनका मेंटल IQ लेवल भी कम हो सकता है। तो छोटे बच्चे अगर इस चीज़ों पे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो उनके आप हाथ बार बार धोइए ताकि बाय मिस्टेक भी वो ये केमिकल वाले हाथ अपने मुंह में ना डाले। ये फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल है, ये कार्सिनोजन भी माना जाता है यानी जिसके वजह से कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ ये एंडोक्राइन डिसरप्टर होने की वजह से बहुत सारे हॉर्मोन्स के डिस्टर्बेंस लेके आता है और उसमें थायराइड के डिस्टर्बेंस बहुत ही कॉमन है। अगला एंडोक्राइन डिसरप्टर है और जिसका नाम है बेंजोफिनोन 3, ये पाया जाता है खास करके सनस्क्रीन लोशंस में और इसके अलावा कोई ऐसे कॉस्मेटिक और मेकअप के प्रोडक्ट्स और लोशंस जिसके अंदर भी UV रेज को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है।
जब सूर्य प्रकाश की रोशनी में एक खास प्रकार के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होते हैं जो हमारी स्किन और चमड़ी के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसको बचाने के लिए ऐसे कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और ये केमिकल जब हम हमारी त्वचा पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो सनस्क्रीन के प्रोटेक्शन के साथ साथ ये केमिकल भी हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें इसके वजह से हॉर्मोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। इसके अलावा और एक एंडोक्राइन डिस्टर्बर जो बहुत कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं और वो है एयर फ्रेशनर्स। ये एयर फ्रेशनर्स हमें लगता है कि हमारे आजू बाजू की एयर जो है हवा को साफ करेगा, उसको सुगंधित करेगा, उसको महकाएगा, लेकिन इस एयर फ्रेशनर्स के भीतर भी कोई ऐसे केमिकल्स है जो हम हमारी सांस लेने में इन्हेलेशन में लेते हैं। तो अगर आपको आपके आसपास का पर्यावरण को सुगंधित रखना है तो आप बहुत ही आसान तरीका है खास प्रकार के जो एसेंशियल ऑयल्स जो आते हैं जो बनते हैं पेड़ पौधों के फ्लावर यानी फूल में से, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है वो है आपके घर के भीतर जमी हुई धूल मिट्टी। ये जो डस्ट की जो एलर्जी है बहुत लोगों को होती है और डस्ट एलर्जी के वजह से बहुत लोगों को अस्थमा, अर्टिकेरिया, एलर्जिक राइनाइटिस जैसी बीमारियां भी होती है, क्योंकि ये सभी बीमारियां भी कहीं ना कहीं ऑटोइम्यून बीमारियों के साथ में बहुत कॉमन हो जाती है। बहुत लोगों को इस बीमारियों के साथ साथ में एंडोक्राइन बीमारियां भी होती है। तो आप आपके घर के आसपास का पर्यावरण जो है वो साफ़ सुथरा रखें और खास करके हेपा वाले फिल्टर्स जो आजकल आते हैं उसका आप इस्तेमाल करते हैं। ये जो हेपा वाले जो फिल्टर है इसको कहते हैं हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, और ये बहुत अच्छी मात्रा में आपके आजू बाजू के वातावरण की जो डस्ट है उसको हटाएगा और आपका एनवायरमेंट साफ़ सुथरा रखेगा। अगला कॉमन एंडोक्राइन डिसरप्टर है और जिसका नाम है पेस्टिसाइड और फंगिसाइड। ये पेस्टिसाइड और फंगिसाइड एक खास प्रकार के ऐसे केमिकल्स हैं जो ज़्यादा करके इस्तेमाल में किए जाते हैं फार्मर्स और खेती के द्वारा। खेडूत लोग अपने फार्मिंग में इस केमिकल्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से उनका पाक का उत्पादन भी ज़्यादा हो, उनके अनाज में कीड़े और जीव जंतुएं ना पड़े, इसके लिए इन केमिकलों का इस्तेमाल होता है। हम जब भी कोई भी सब्जी या फल लेके आते हैं घर पे, उसको हम बहुत अच्छे से धोते हैं। क्या आपको लगता है कि वो 2-3 मिनट पानी में धोने से वो केमिकल्स निकल जाते हैं? जी नहीं, जो केमिकल एक पूरी बारिश की सीजन में नहीं निकले वो क्या आपके 2-3 मिनट घर में धोने से निकलते हैं? नहीं निकल पाते। और हम इन सभी केमिकल्स को हमारे शरीर के अंदर लेते हैं और रोज़ प्रतिरोज ये केमिकल्स हमारे फूड चेन के द्वारा हमारे भीतर घुस चुके हैं। और ये केमिकल में बहुत सारे केमिकल्स आ जाते हैं जैसे कि DDT है, PCB वाला केमिकल है, फिर ऑर्गेनोक्लोरीन केमिकल है। ये सभी केमिकल्स के अलावा एमिट्रायोल वाले केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं। जो ऑर्गेनोक्लोरीन वाला जो केमिकल है इसका केमिकल स्ट्रक्चर हमारे शरीर के T3 और T4 हार्मोन से काफ़ी मिलता जुलता है, इसीलिए ये हमारे शरीर की कोशिकाओं तक जाके हमारे थायराइड के जो रिसेप्टर्स है वहाँ पे उसकी आड़ असर लेके आता है और जिसके वजह से ज़्यादा करके लोगों को एंडोक्राइन की बीमारियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या करें? ये इस केमिकल को आप हटाने के लिए आप ज़्यादा करके ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास प्रकार के ऐसे भी चीज़ें आती है जो ये केमिकलों को निकाल सकती है। बाज़ार में देखें वैसे तो केमिकल निकालने के लिए और एक केमिकल आते हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि अगर आप एक केमिकल को निकालने के लिए दूसरा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो वो सही तरीके से नहीं होगा। तो क्या किया जाए? आजकल कुछ ऐसे पानी भी आते हैं जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो कम्प्लीटली नेचुरल फॉर्म से केमिकल्स को निकाल सकते हैं।
तो प्लीज़ आप आपके खाने पीने में पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स को दूर रखें। अगला कॉमन सा एंडोक्राइन डिसरप्टर है जिसका नाम है आइसोफ्लेवोन। ये ज़्यादा करके सोया कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। ये आइसोफ्लेवोन वाला केमिकल जो आयोडीन के एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ लाता है और साथ ही साथ थायराइड के हार्मोन प्रोडक्शन में भी इसकी गड़बड़ आती है। ज्यादा करके आइसोफ्लेवोन वाला केमिकल आपको सोया कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट में मिलता है, जैसे सोया मिल्क, टोफू, टेम्पे, मिसो। तो ये सभी खाद्य पदार्थों को आप थोड़ी कम मात्रा में खाएंगे तो जिसके वजह से एंडोक्राइन डिसरप्टर भी कम होएगा। अगला एक कॉमन सा एंडोक्राइन डिसरप्टर है जिसका नाम है PFC यानी पॉलीफ्लोरिनेटेड कंपाउंड। यह पॉलीफ्लोरिनेटेड कंपाउंड भी ज्यादा करके आपको पिज्जा बॉक्सेस, फूड कंटेनर्स, मैट्रेसेस उसमें पाया जाता है। तो जितना कम मात्रा में इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें पॉलीफ्लोरिनेटेड कार्बन का, उतना ही आपकी थायराइड की हेल्थ के लिए अच्छा है। इस वीडियो के द्वारा हमने आज जाना कि क्या ऐसे एंडोक्राइन डिसरप्टर कंपाउंड्स हैं जो हमारे हॉर्मोन्स की हेल्थ को बिगाड़ सकते हैं और आपको ज़्यादा करके थायराइड की हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये सभी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि इसका ना इस्तेमाल करना एक इम्पॉसिबल जैसी बात हो चुकी है। लेकिन जहां तक आपके पास ऑप्शन हो, आप ट्राई कीजिए कि आप उसका हेल्दी अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करें ताकि हम अपने आप को कोई भी ऐसे हार्मोन की बीमारियों होने से बचा सके। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्मोन्स के रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और बाजू में एक बेल आइकन है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको आपके थायराइड रिलेटेड कोई भी हेल्थ के सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट को पढ़ के उसका जवाब देती हूँ। अगले बार हम वापस मिलेंगे कुछ और एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक सुरक्षित रहे। धन्यवाद।